नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व होता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है, जो अश्विन मास की अमावस्या तिथि को समाप्त होती है। पितृपक्ष में पितरों की पूजा कैसे विधि विधान से की जाए, ये सब हम जानेंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद महेंद्र कुमार जी से। सर नमस्ते, हमारे स्टूडियो में और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि हमारे जीवन में पितरों का महत्व कितना है। कि पितरों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हमारे जीवन में देवी देवताओं का महत्व है, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, माँ बाप की पूजा करते हैं या सेवा करते हैं, उसी तरह से हमको पितरों के प्रति भी सम्मान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना या उनकी संतुष्टि के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं करना चाहिए, और उसी के लिए ये पितृपक्ष बना है। पितरों का क्या रोल होता है? जैसे कोई व्यक्ति हमारे परिवार में है और वो हमारे परिवार से अलग होता है किसी भी कारण से, तो अलग तो हो जाता है, फिजिकली अलग हो जाता है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से अलग नहीं होता है। जैसे किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो करीब 13 दिन तक वो उस घर के आसपास या उस परिवार के बीच में ही रहता है। हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो हमको देख सकता है। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु होती है तो उसका शरीर तो जला दिया जाता है, लेकिन जो शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है उसमें से 2 तत्व ही जलते हैं, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। बाकी 3 तत्व अग्नि, वायु और आकाश तत्व उस जीव के साथ रहते हैं और वो आसपास ही विचरण करते रहते हैं। जब ये 13 दिन का जो समय होता है मृत्यु के बाद, जब 13वीं तक, तो उस दौरान उसके विभिन्न क्रियाकलाप या पूजा अर्चना घर में की जाती है उसके निमित्त। तो उसके माध्यम से यानी जो पिंडदान होता है वो अपना मतलब भोजन स्वीकार करते हैं। उसके बाद से वहाँ से उस परिवार से 13 दिन के बाद वहाँ से वो सोल डिपार्ट कर जाती है ऊपर की तरफ। जब वो डिपार्ट कर जाती है उसके बाद एक एक स्टेजेस उसकी होती हैं, और वो स्टेजेस जो हैं एक 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 साल में कंप्लीट होती हैं। और एक साल के बाद जब बरसी की जाती है, जैसे लोग जानते हैं कि बरसी हो गई 1 वर्ष के बाद में, तो जब बरसी की जाती है तो उस जीव का जो यहाँ से डिपार्ट हुआ है किसी परिवार से, उस वो जीव अपने कर्मों के हिसाब से उसका आगे का लोक तय होता है कि वो जीव कहाँ पर जाएगा। जैसे जिसके कर्म होते हैं उसी के हिसाब से उस लोक में चला जाता है। अब बात ये होती है कि पितृ, कोई भी व्यक्ति जो भी हमारे पूर्वज हैं, माता पिता हैं या और भी जो पूर्वज हैं उनके माता पिता जो भी हमारे परिवार से अलग हुए हैं, वो सब पितरों की श्रेणी में ही आते हैं। और उनकी संतुष्टि के लिए हमको उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए, और पितरों की पूजा हर अमावस्या तिथि को की जाती है। पूजा की अभी बात करी आपने कि पितरों की पूजा करनी चाहिए, तो पितृपक्ष में पितरों की पूजा कब करनी चाहिए और क्या ज़रूरी होता है मतलब ये पूजा करना? देखिए, पितृपक्ष में पूजा पितरों की करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। जिसके माँ बाप जीवित हैं उनको भी करनी चाहिए, और जिसके नहीं है कोई माँ या बाप में या दोनों नहीं हैं तो उनको भी करनी चाहिए। उसका कारण यह है कि हमारे परिवार में जो भी पूर्वज हैं उनको हम श्रद्धापूर्वक उनको भोग देते हैं या उनसे संबंधित पूजा अर्चना करते हैं, या अमावस्या तिथि को पितरों की पूजा की जाती है और पितृपक्ष में भी की जाती है। अगर किसी के माता या पिता जिस तिथि को एक्सपायर किए होते हैं उस तिथि को ही उसका श्राद्ध किया जाता है। अब श्राद्ध का मतलब क्या है कि पितरों को हम श्रद्धा के साथ उनको भोजन या जो उनकी निमित्त सामग्री है उनको हम किसी ब्राह्मण के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। पितर दिखते नहीं हैं लेकिन वो ब्राह्मण के माध्यम से अपना भोजन स्वीकार करते हैं। जो भी हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं वो उनके निमित्त चला जाता है, और पितरों को वस्त्र आदि भी, ब्राह्मण को वस्त्र वगैरह भी दान करना चाहिए या जो उनको प्रिय चीज़ हो, वस्तु हो, उसको भी मतलब खिलाना चाहिए ब्राह्मण को, जिसके ब्राह्मण के माध्यम से पितर लोग हमारे भोग को या हमारे किए गए सम्मान को या हमारे किए गए दान को पुण्य को वो ग्रहण करते हैं। और
जो लोग ये नहीं करते हैं उनको दान भी देना चाहिए, दाल है, आटा है, चावल है, किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में दान भी देना चाहिए, जिससे कि वो दान के माध्यम से उन पितरों को पहुंच जाता है। वो दिखते नहीं हैं लेकिन वो दान के माध्यम से वो ग्रहण कर लेते हैं, वो भावना होती है। ईश्वर की भी हम पूजा करते हैं तो अगर हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं तो क्या भगवान प्रसाद खा नहीं लेते हैं? लेकिन मगर जो पितर हैं उसी तरह ब्राह्मण के माध्यम से अपना भोग अपना स्वीकार करते हैं, और जब उनको भोग मिल जाता है, उनको तृप्ति मिल जाती है, तो उस परिवार पे या उस व्यक्ति विशेष पे उसकी उनकी कृपा रहती है, और किसी न किसी रूप में वो उस परिवार के लिए अच्छा करते हैं, शुभ करते हैं, उनकी मदद करते हैं किसी भी विपरीत परिस्थिति में। और इसके अलावा अगर उनको पूजा अर्चना ना की जाए इस पितृ पक्ष में तो होता कुछ नहीं है इमीडिएट, लेकिन जो भी हम देखते हैं कि परिवार में वातावरण का जो रहता है कलह प्रिय कलह वाला होता है, या किसी के परिवार में धन की नुकसान हो रहा है, या किसी के परिवार में जनहानि हो रही है, या कोई बीमार पड़ा हुआ है, कारण नहीं दिखते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में पितरों का ही वो दोष होता है, जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं और उसको इग्नोर करते हैं, बाकी हम लोग अपने दूसरे प्रयास किया करते हैं। अभी आपने दोष बताया कि अगर हम पूजा पाठ नहीं करते हैं तो हमें किसी न किसी रूप में वो मतलब दोष हमारे ऊपर रहता है, तो इस दोष को कैसे दूर किया जा सकता है, इसका उपाय क्या है? इन दोषों को दूर करने के लिए एक तो हम दान पुण्य का कार्य करें, और जब भी अमावस्या आए तो हम उनका स्मरण करें, उनके निमित्त पूजा करें या अमावस्या को दान दें, और दान देने के अलावा उनके निमित्त हम जो भी मंत्र हैं उसको करें। और देखिए पितृ जो हैं हम लोगों से बीच में चले गए, कभी हम भी जो है अलग रहे होंगे, हम इस परिवार में नहीं रहे होंगे, अलग रहे होंगे, तो दूसरे लोगों ने पूजा अर्चना की जिस हमको वहाँ से उस योनि से मुक्त हुई, फिर हम मनुष्य योनि में आए। इसी तरह से पितरों का भी है, मनुष्य योनि से चले गए, अब हमें उनकी मुक्त के लिए जिस योनि में वो पड़े हुए हैं अपने कर्मों के अनुसार, उस योनि से मुक्त कराने के लिए अगर किसी ने पाप कर्म गलत कर्म करे हुए हैं तो पिशाच योनि उसको मिलती है, तो वो वहाँ पे भी जैसे यहाँ पे आदमी कष्ट में रहता है तो उस योनि में भी जा कर के वो जीवात्मा कष्ट में रहती है, क्योंकि उसने कर्म अपने जीवन में बुरे या पापी कर्म कर रखे हुए, वहाँ भी पीड़ित रहते हैं, तो उनको उस योनि से पैशाचिक योनि से मुक्त कराने के लिए भी अगर हम ये श्राद्ध करते हैं या पितरों की पूजा करते हैं कि वो जो पीड़ित हैं वो अपनी पीड़ा से मुक्त हो जाएं, पीड़ा से मुक्त हो करके फिर इस पृथ्वी तल पे आए, तो जब हम उनके निमित्त ये कार्य करते हैं, उनको भावना जाती है कि मनुष्य प्राणी या उनके परिवार का व्यक्ति उनके निमित्त पूजा कर रहा है उसको उस योनि से खराब योनि से मुक्त कराने के लिए, तो वो प्रसन्न होते हैं, तो इनडायरेक्टली रूप में उस परिवार की या उस व्यक्ति की मदद करते हैं, जिससे हमारे परिवार को सुख शांति धन सब कुछ प्राप्त होता है, वो उस योनि से मुक्त हो करके फिर दोबारा जो है पृथ्वी तल पे आते हैं किसी न किसी रूप में। अभी आपने कहा है कि पितरों को खुश करने के लिए मंत्र भी है, तो उस मंत्र के बारे में बताइए। हाँ, मंत्र के लिए है, जैसे पितृदेवो भव मंत्र का सिंपल सा मंत्र है, पितृदेवो भव मंत्र का डेली स्मरण कर लें, बहुत ज़्यादा बार नहीं तो डेली 11 बार कर लें, हाँ अगर कर सकते हैं तो एक माला जप कर लें, और इधर पितृपक्ष में जो है कम से कम 2 माला डेली मंत्र जप कर लें पितृपक्ष में पितृदेव भव, क्योंकि इस पितृपक्ष में जो हमारे पितर होते हैं, जो भी हमारे पूर्वज हैं, वो इस ये 15 दिन में जो एक पक्ष होता है, इस पक्ष में हमारे घर में वो मौजूद रहते हैं, सूक्ष्म रूप में वो आ जाते हैं, मौजूद रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, और जब उनके निमित्त कार्य किया जाता है या ब्राह्मण को भोज कराया जाता है या उनकी मुक्ति के लिए उस योनि से प्रार्थना की जाती है तो प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्नता के फलस्वरूप हमको फल प्रदान करते हैं, इसलिए इस पितृपक्ष में जो है उनके निमित्त मंत्र जप करना चाहिए, दान करना चाहिए, और उनको वस्त्र का भी दान करना चाहिए। कभी कभी वो पितृ जो होते हैं स्वप्न के माध्यम से भी आपको इंडिकेट करते हैं कि कहीं आपसे कुछ चूक हो गई, मान लिया आपने ब्राह्मण को भोजन कराया, उनको वस्त्र नहीं दिए, तो आपको हो सकता है कि स्वप्न आपके पितर या पूर्वज दिखाई दें, उनके अंग पे कोई वस्त्र ना हो, तो आपको उसका मतलब समझना चाहिए कि उनके पास वस्त्र की कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए जब आप वो कमी दूर कर देंगे तो प्रसन्न होंगे और आपके परिवार को अच्छा और शुभ फल देंगे, और हर मांगलिक कार्य में भी
जैसे मुंडन है और भी विवाह है और जनेऊ है और भी जो भी मांगलिक कार्य हो उसमें भी पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए, स्मरण अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपके मांगलिक कार्य में कोई विघ्न बाधा ना आए और उनका आशीर्वाद हमको मिल जाए और सब कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इसलिए पितरों की पूजा अति आवश्यक है। जैसे कि अभी आपने बताया मंत्र के बारे में, तो क्या इस मंत्र को हम सिर्फ पितृपक्ष में ही मतलब फॉलो करें या फिर आगे भी करें? ये देखिए, पितरों के निमित्त पूजा जैसे और देवी देवताओं की पूजा, ईश्वर की पूजा करते हैं आप आधा मिनट ही सही, मतलब पितृदेवो भव मंत्र का उच्चारण मात्र 5 बार ही मन कर लें, इतना ही काफ़ी है। इसमें कोई टाइम लगेगा, सेकेंड्स में लगेगा, मुश्किल से 20-25 सेकेंड आप उनको स्मरण कर रहे हैं। इसका मतलब जो पितर हैं आपके परिवार के में जो रहे हैं उनकी मुक्ति के लिए आप डेली प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो पितर जो जिस योनि में पड़े हुए हैं वो भी मनुष्य रूप में धरती पर पुनः आना चाहते हैं, आप मनुष्य हो करके आप ही उनके लिए कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जब आप उनके लिए प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो उनको ईश्वर की कृपा से उनको वहाँ से मुक्ति मिलेगी, पुनः वो पृथ्वी तल पे आ सकेंगे, वो अपने कर्म बंधन से कट सकेंगे और जिसका उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको उसका प्रभाव या फायदा मिलेगा, आपको आपके परिवार को। जैसा कि आपने बताया कि पितृपक्ष में पितरों की पूजा करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पितृपक्ष को मानते ही नहीं हैं, कि मतलब उनको लगता है कि मतलब ये सब चीज़ें बिल्कुल भी कुछ नहीं होती हैं, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, कोई माने या ना माने, जो चीज़ें हैं वो हैं। कोई माने कि सूर्य होता नहीं, चंद्रमा होता नहीं, लेकिन डेली सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, कुछ चीज़ें हैं वो दिखती नहीं हैं लेकिन उनका वो उनका इफेक्ट होता है। आत्मा दिखाई नहीं पड़ती लेकिन उसका इफेक्ट है, हम लोग जीवित हैं, सांस चल रही है, जिस क्षण सांस बंद हो जाती है काम खत्म हो जाता है। तो किसी के मानने या ना मानने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ मंदिर की मूर्तियाँ बोलती तो हैं नहीं, प्रसाद खा नहीं लेती, लेकिन वो आप अपनी भावना व्यक्त करते हैं। और ये भी नहीं कि आप मंदिर जाएं तो सर के जिस कार्य के लिए जा रहे हैं कि आप जो ने जो मांगा वो मिल जाए, कोई गारंटी नहीं, वो ईश्वर की मर्जी आपको दें या ना दें उनकी मर्जी, आप चले आते हैं प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये क्या है, आपकी श्रद्धा है। तो जो श्रद्धा होती है वो भी आप मंदिर में व्यक्त करते हैं। इसीलिए पितर हैं वो तो एक सूक्ष्म जीव के रूप में है, वहाँ तो केवल मूर्तियाँ हैं, यहाँ तो वो सूक्ष्म रूप में है, आपके आस पास है, इस आपके पितृपक्ष में 15 दिन आपके घर परिवार में ही रहते हैं। और आप अगर महसूस करें तो स्वप्न के माध्यम से भी घर के किसी परिवार के मेंबर को या आपको अपनी उपस्थिति भी अनुभव करा देते हैं कि हाँ उनकी प्रेजेंस है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप में। तो ये चीज़ें सूक्ष्म होती हैं, ये बुद्धि, ये सब चीज़ें बुद्धि और तर्क से परे होती हैं, इनको मतलब चेतना से और चेतना के द्वारा, साधना के द्वारा सूक्ष्म चीज़ों को समझा जा सकता है या एहसास करा जा सकता है। जैसे हवा है हमारे पास, तो हमें हवा दिखाई नहीं देती लेकिन उसका हम एहसास करते हैं कि गर्मी है या सर्दी, तो ऐसे ही भावना होती है। तो ये पितर भी हमारी भावनाओं को समझते हैं, ईश्वर या देवता भी हमारी भावनाओं को समझते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे हमें शुभ फल प्राप्त होता है। जैसा कि कहा जाता है कि पितृ दोष जो है पितृपक्ष में उसकी पूजा करनी चाहिए क्या? नहीं, पितृ दोष की पूजा आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ये 15 दिन जो मिले हैं इसमें पितृ जो हैं आपके पृथ्वी तल पे ही रहते हैं, आपके परिवार में ही रहते हैं, तो जब आप उनकी पूजा करेंगे, इसीलिए 15 दिन का विधान है कि 15 दिन लोग पितृपक्ष में पूजा करते हैं, कि जो जीव जो सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले अगर पृथ्वी तल पे ही हैं, जब आप उनके निमित्त पूजा अर्चना करेंगे तो आपको से प्रसन्न होंगे, आपको फल देने में सक्षम होंगे। और रेगुलर वे में अगर आप करते हैं, आपसे दूर भी हैं, तब भी आपकी भावना, आपकी पूजा आपके हृदय के माध्यम से उन तक पुकार पहुँचती है और वो तब भी फल देने में सक्षम होते हैं। लेकिन इस श्राद्ध के दिवस में यानी पितृपक्ष में जरूर उनको पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे कि हमें अच्छा फल और शुभ फल प्राप्त हो सके जीवन में। आपने भी श्राद्ध के बारे में बताया था, तो क्या हर एक व्यक्ति को मतलब पितृपक्ष में श्राद्ध की पूजा करनी चाहिए? हाँ, हर एक व्यक्ति पितृपक्ष में श्राद्ध की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के माता पिता हैं तो भी अपने पूर्वज की, अपने बाबा की, दादी की, या जो भी उसके परिवार से संबंधित जो सदस्य रहे हैं पूर्वज, भले ही उसने देखा हो या ना देखा हो, उनको आपके साध के माध्यम से या पूजा के माध्यम से, पितरों के, पितर तो बहुत हैं, आपने कई एक दो पीढ़ी को आप जानते होंगे, उसके पहले की पीढ़ी को आपने देखा नहीं सुना नहीं, तो उन सबको के निमित्त या वो जिस कर्म अपनी कर्म के कारण जिस यौन में फंसे हुए हैं,
क्योंकि कोई जरूरी नहीं किसके कैसे कर्म हैं, अपने कर्मों के कारण आदमी फंसा हुआ होता है दूसरी योनि में। जब उसको उस योनि से छुटकारा मिलेगा तो वो कोई भी पूर्वज हो सकते हैं, तो उनको जब हम छुटकारा दिलाएंगे तो हमारे परिवार के कभी वो रहे हैं तो हमको हमारे परिवार को या हमारे वंश को किसी न किसी रूप में अनुकूलता अवश्य देते हैं और देते ही हैं, यह ऐसा मेरा विश्वास है। ये बताइए कि पितृ पक्ष में पितरों की पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त होता है? पितरों की पूजा करने से जो हमारे घर में परिवार में आकस्मिक मतलब दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे परिवार में कोई अचानक बीमार पड़ गया, किसी का अचानक दुर्घटना हो जाना, या धन का अचानक हानि हो जाना, या किसी भी तरह का संकट आ जाना, या घर में आग लग जाना, या किसी भी तरह के, या कोई भी ऐसी घटना जिसकी कहीं दूर दूर से उम्मीद नहीं थी अचानक घट गई, और तो वो ये सारी चीज़ें वो इंडिकेट करती हैं कहीं ना कहीं हमारे पितर हमसे संतुष्ट नहीं हैं, जिस कारण से हमको कष्ट मिल रहा है। तो हमको वो उन चीज़ों को तो दूर करना ही चाहिए, उसके अलावा हमें पितरों के निमित्त भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पितृदोष भी, जैसे पितृदोष भी एक जीवन का बहुत बड़ा दोष है, इसलिए पितृदोष के भी मुक्त दूर करने के उपाय हमें इस श्राद्ध के दिवसों में यानी पितृपक्ष में करना चाहिए। धन्यवाद महेंद्र जी हमसे इस खास बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र कुमार जी, जिन्होंने पितृपक्ष के बारे में बताया और उस पितृपक्ष पितरों की पूजा कैसे विधि विधान से की जाए इसके बारे में बताया, और अगर किसी को पितृदोष है तो उसका आप कैसे उपाय, महेंद्र कुमार जी ने बताया उसका उपाय भी है, इसे घबराना नहीं चाहिए। तो आप हमारे वीडियो को ऐसे ही आगे भी कंटिन्यू देखते रहेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।